हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था, राइट? और आज हम चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, जिसका नेम है टाइम गोज ऑन। टाइम कभी किसी के वेट नहीं करता है, टाइम तो चलता ही जाता है। यस, देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है, उल्टा पुल्टा टाइम। यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है, वो उल्टा पुल्टा लिखा है। तो चलो देखते हैं कि ये क्या है स्टोरी। As the sun sets dash Sumana wakes up। यहाँ पर हमें उल्टे पुल्टे वर्ड्स दिए गए हैं, उसे हमें सही करना है। तो sunset मतलब कि सन है वो चला जाता है, तो तभी सुमाना है वो उठती है। ऐसा कभी होता है नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पर, As the sun rises Sumana wakes up, then what a lovely evening। तो जब भी सुमाना उठती है तब इवनिंग होती है। नो, तो यहाँ पर राइट वर्ड आएगा मॉर्निंग। देन नेक्स्ट वन इज, शी वॉशिज हर फेस फास्ट इन 2 आवर्स एंड रन्स आउट। कोई अगर अपना फेस वॉश करता है फास्टली तो उसे 2 आवर्स लगते हैं। नो, तो वहां पर आएगा मिनट्स। शी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट, और फिर कहाँ पर जाती है, बर्ड के नेस्ट के पास जाती है। शी हैज बीन वॉचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, तो यहाँ पर मंथ्स नहीं आएगा, वहां पर आएगा डेज। सुमाना है वो कई दिन से ये जो बर्ड्स होते हैं उसके एग्स देख रही थी, राइट? तो यहाँ पर मंथ्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डेज। शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट, वो बेबी बर्ड्स है वो कब बाहर आएंगे उसका वेट कर रही थी। बट बिफोर शी कैन ब्लैंक हर आईज इन अ वीक डैश ए कैट जंप्स ऑन द ट्री, पर जब भी वो अपनी आईज ब्लिंक करती है तभी क्या होता है, इन अ वीक नहीं आएगा, क्योंकि हम आईज ब्लिंक करते हैं तो उसे मोमेंट ही लगता है, राइट? तो यहाँ पर वीक के बदले आएगा मोमेंट। देन कैट है वो ट्री पर आ जाती है। द मदर बर्ड क्राइज लाउडली एंड सुमाना रशेस टू शू अवे द कैट, तो फिर मदर बर्ड होती है वो क्राई करती है, वो रोने लगती है, और सुमाना क्या करती है, कैट को भगाती है। एज द कैट जंप्स इट हिट्स द बिग ग्रीन मैंगो, धूम, और जब भी कैट जंप करती है तो बहुत ही बड़ा आवाज आता है, धूम करके आवाज आता है। यहाँ पर हमें पिक्चर्स भी दिए गए हैं, देखो है कुछ कुछ पिक्चर्स हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिए है। देन इन 2 डेज, यहाँ पर डेज के बदले क्या आएगा, सेकंड्स, इट इज ऑन द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड पर आने के लिए 2 डेज नहीं लगते हैं, सेकंड्स लगती है कैट को। ओ हाउ सैड, द मैंगो इज स्टिल नॉट फुल्ली राइप, पर ये क्या, ये तो बहुत ही सैड है, ये मैंगो तो पकी हुई नहीं है। इट नीडेड 1 मोर ईयर, ईयर नहीं आएगा क्योंकि मैंगो है उसे पकने के लिए ईयर नहीं लगता है, यहाँ पर वीक आएगा, टू बिकम स्वीट, तो मैंगो पक जाएगी कब तक, 1 वीक में पक जाएगी, तो यहाँ पर ईयर के बदले वीक आएगा। सडनली सुमाना सिस्टर कॉल्स आउट, और सडनली सुमाना की सिस्टर है वो उसे बुलाती है। आर यू स्टिल नॉट हंग्री, तुम अभी तक भूखी नहीं हुई हो। हैज योर स्टमक क्लॉक गोन टू स्लीप, क्या तुम्हारे अंदर का स्टमक है वो सो गया है। कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर, यहाँ पर आओ और उपमा खाओ, तो उसे डिनर बोला है, तो हम सुबह सुबह कभी डिनर करते हैं, नो, सुबह हम करते हैं उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं, तो यहाँ पर आएगा ब्रेकफास्ट। वॉजंट दैट फनी, क्या वो फनी नहीं था। यू मस्ट हैव गेस्ड दैट द कलर्ड वर्ड्स आर रॉन्ग, आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो हमें बॉक्स में वर्ड्स दिए गए थे उसे हमने गेस किया और करेक्ट तरीके से वहां पर लिखा। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड राइट इट नेक्स्ट टू द रॉन्ग वर्ड, और यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए थे उसे यूज करके हमें आगे लिखना था, तो वो तो हमने कर लिया। नेक्स्ट वन इज, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, इसे कितना टाइम लगेगा। हैव यू सीन समवन नाइटिंग ए स्वेटर, आप लोगों ने यह कभी के देखा है कि कोई स्वेटर बना रहा हो, और समवन वीविंग ए क्लोथ, और कोई क्लोथिस है वो बना रहा है। डू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम अ पोटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक ए पॉट, आपको पोटर के पास से जानना है कि उसे पॉट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है।
ऑल्सो टेल अस इफ यू टेक अवर्स और मिनट्स टू हैव योर बाथ, और आपको नहाने के लिए मिनट्स लगती है या तो अवर लगता है, वो भी आप लोगों को हमें बताना है। इज इट योर सिंस यू लास्ट हैड ए बाथ, हाहा, क्या आप लोगों को इयर्स बीत गए कि आप लोगों ने कभी नया नहाया नहीं है, हाँ हाँ, मतलब कि एक जोक है। थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन टेक डिफरेंट टाइम्स, आप लोगों को ऐसे डिफरेंट थिंग्स कलेक्ट करनी है कि जो डिफरेंट टाइम लगाती है। मेक योर टेबल एज लॉन्ग एज यू कैन, आप लोगों को ये टेबल है वो लॉन्ग बनाना है कि जितने भी आप लोगों को डिफरेंट एक्टिविटीज आपको याद आती है वैसे। देखो यहाँ पर मिनट्स के लिए हैं, अवर्स एंड डेज, तो यहाँ पर हमें टू और थ्री एक्टिविटीज है वो तो दी गई है और बाकी बची मैंने अपने हिसाब से लिखी है, पर यहाँ पर आप लोग अपने तरीके से कर सकते हो। देखो यहाँ पर मिनट्स है तो कौन सी एक्टिविटीज होती है, ए बाथ, देन अवर्स में टू स्टिच अ शर्ट, देन टेक्स डेज टू नीट अ स्वेटर, देन टू वीव अ साड़ी, राइट। तो ऐसे मैंने अपनी तरीके से यहाँ पर लिस्ट बनाया है, पर आप लोग अपने तरीके से यहाँ पर कोई दूसरी एक्टिविटीज है वो लिख सकते हो। थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, सम फास्टर एंड सम स्लोअर, आप लोगों को कुछ ऐसी दूसरी चीजें भी फाइंड करनी है कि जो फास्टर होती हो और स्लोअर भी होती हो। मेक ए लॉन्ग लिस्ट, उसका आपका लॉन्ग लिस्ट बनाना है। टेक्स सेकंड्स, सेकंड्स लगती है ऐसे आपको लिस्ट बनाना है। टू ब्लिंक माई आइज, हम आइज है वो ब्लिंक करते हैं तो उसके लिए हमें सेकंड्स ही लगते हैं। टू स्नैप माई फिंगर्स, हम फिंगर्स को स्नैप करते हैं तो भी सेकंड्स लगते हैं। देन टू गल्प माई मेडिसिन, देन फॉर फ्रूट टू फॉल फ्रॉम ए ट्री, ट्री के ऊपर से फ्रूट है वो गिरता है। देन यहाँ पर क्या आएगा, टू थ्रो ए बॉल, बॉल भी हम सेकंड्स में ही थ्रो करते हैं। देन टू स्विच ऑन ए लाइट, हम लाइट को ऑन ऑफ करते हैं, राइट, तो उसमें भी सेकंड्स ही लगते हैं। देन नेक्स्ट वन इज टेक्स मंथ्स, मंथ्स किस में लग जाते हैं वो, टू ग्रो वीट, वीट हम ग्रो करते हैं तो उसे कई मंथ्स लग जाते हैं। देन टू चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, समर में से विंटर आता है तो भी कुछ महीने लग जाते हैं, राइट। देन यहाँ पर टू, यहाँ पर बॉक्सेस दिए गए तो आप लोग अपने तरीके से कर सकते हो, मैंने यहाँ पर अपने तरीके से लिखा है। फॉर अ बेबी टू कम आउट इट्स मदर्स स्टमक, एंड नेक्स्ट वन इज टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस, यहाँ पर क्या बोला है, देखो दिस एक्टिविटी शुड टेक ओनली अ फ्यू मिनट्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टॉयलेट है तो टॉयलेट के लिए हमें कुछ मिनट्स ही लगती है। देन नेक्स्ट वन इज क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच, प्ले दिस गेम, आप लोगों को यहाँ पर एक गेम दी गई है तो ये गेम आपको अपने फ्रेंड्स के साथ या तो अपने फैमिली के साथ खेलनी है। यहाँ पर जो आपको रूल्स दिए गए है वो रूल्स आपको एक बार पढ़ लेने हैं और फिर ये गेम खेलनी है। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो गेम ताथई डिफरेंट क्लिप्स, यहाँ पर क्लिप्स डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकते हो वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट, तो ये भी आपको घर पे ट्राई करनी है। नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट, हैव यू हर्ड पीपल प्लेइंग ए तबला और द ड्रम्स, आप लोगों ने सुना है कि कोई पीपल्स है वो तबला या तो ड्रम्स बजाते हुए आपने कहीं सुना है। फाइंड आउट अ फ्यू डिफरेंट बीट्स दे प्ले, आप लोगों को उसमें से कुछ बीट्स है वो फाइंड करने है कि वो बीट्स कौन से होते हैं। ऑल्सो आस्क व्हाट बॉल्स दे से फॉर द बीट्स दे प्ले, और वो बॉल्स को क्या बोलते हैं उसे भी आपको यहाँ पर लिखना है और देन आपको खेलना है उससे। नेक्स्ट वन इज हाउ ओल्ड आर वी, हम कितने ओल्ड है, यहाँ पर एक चार्ट दिया गया, यहाँ पर हमें पूरा तो नहीं दिखाई देगा पर हम टर्न बाय टर्न देखते हैं। देखो यहाँ पर हाउ ओल्ड आर वी, राइट, यहाँ पर क्या है, माय एज टुडे, देन माय मदर्स एज टुडे, देन यहाँ पर है माय मदर्स मदर्स एज व्हेन माय मदर वाज बोर्न। नेक्स्ट वन इज माय मदर्स मदर्स एज व्हेन आई वाज बोर्न, यहाँ पर है माय मदर्स एज व्हेन आई वाज बोर्न, एंड लास्ट वन इज माई मदर्स मदर्स एज टूडे, तो यहाँ पर ऐसे हमें डिफरेंट एज दी गई है, एक गर्ल की है, देन उसकी मदर की, देन उसकी मदर की मदर की, ऐसे डिफरेंट हमें एक चार्ट दिखाया गया है, राइट। देन यहाँ पर एक पजल बोली है, क्या है, इरफान्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम, इरफान की मदर की एज है वो इरफान से डबल है।
सी इज ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, और उसकी मदर है वो इरफान से 20 ईयर्स ही वो बड़ी है। गेस द एजेस ऑफ इरफान एंड हिज मदर, तो हम कैसे गेस करेंगे, देखो इरफान की एज अगर 20 होगी तो उसकी मदर की एज उससे ट्वाइस है, मतलब कि 20 ईयर्स ज्यादा है तो उसकी मदर की एज होगी 40 ईयर्स। तो हमने इरफान और उसके मदर दोनों की एज है वो फाइंड कर ली, 20 एंड 40 ईयर्स। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी फुल मून्स हैव पास्ड सिंस यू वेर बोर्न, आप जब बोर्न हुए तब कितने फुल मून्स है वो पास हुए। नेक्स्ट वन इज बर्थ सर्टिफिकेट, जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी, बिंसी का हमें बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है। देखो यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्म नंबर 5, पहले हमें फॉर्म नंबर दिया गया है, देन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात बर्थ सर्टिफिकेट, दिस इज टू सर्टिफाई दैट दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज इन द रजिस्टर फॉर द ईयर। हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि यह इंफॉर्मेशन है वो ओरिजिनल रिकॉर्ड से हमें यहाँ पर दिखाई गई है। 2002 ऑफ बालिसाना पंचायत, हमें यहाँ पर कौन सी पंचायत है उसका नेम भी दिया गया है, बालिसाना पंचायत। द नेक्स्ट वन इज नेम, व्हाट इज द नेम, सुधा रमेश चंद्र त्रिवेदी, देन उसका सेक्स कौन सा है, मेल और फीमेल, फीमेल राइट, क्योंकि वो गर्ल है। देन डेट ऑफ बर्थ इज 2nd May 2002, यहाँ पर वर्ड्स में दिया गया है, यहाँ पर डिजिट्स में दिया गया है। देन प्लेस ऑफ बर्थ, तो वहाँ पर आएगा कृष्णा हॉस्पिटल, देन नेम ऑफ फादर इज रमेश चंद्र त्रिवेदी, नेम ऑफ मदर इज भारती बेन त्रिवेदी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 2nd May 2002, रजिस्ट्रेशन नंबर इज 081502, देन यहाँ पर अगेन डेट दी गई है और यहाँ पर क्या है, सिग्नेचर ऑफ इश्यूइंग ऑथोरिटी, जिसकी भी ऑथोरिटी होती है वो यहाँ पर सिग्नेचर करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है उसके ऊपर से हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। 2nd May 2002 शोज दैट सुधा वॉज बोर्न ऑन 2nd May इन द ईयर 2002, क्योंकि यहाँ पर 5 है और 5th मंथ कौन सा होता है, मे। How old will Shuddha be on 2nd May 2008? तो वहाँ पर आएगा 6 years. Then how old will she be in the year 2052? तो वहाँ पर आएगा 50 years, क्योंकि 2052 minus 2002 is 50 years. Then fourth one is on what date will she be 8 years old? वो कब तक 8 years की होगी? Write in numbers. तो वहां पर आएगा 2nd May 2010। फिफ्थ वन इज हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वाज सुधा ऑन 2nd August 2002, तो वहां पर आएगा 3 मंथ्स, क्योंकि मई में वो बोर्न हुई है, तो मई के बाद कौन से मंथ्स आते हैं, जून जुलाई एंड अगस्त, तो अगस्त को वो 3 मंथ्स की हो जाएगी राइट। देन सिक्स्थ वन इज हाउ मेनी इयर्स ओल्ड इज सुधा नाउ, 2nd May 2002 से लेकर हम सपोज करते हैं 17 June 2020, तो वहाँ पर आएगा 18 years. देन सेवन्थ इज आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वॉज द सर्टिफिकेट इश्यूड, सर्टिफिकेट है वो उसके बर्थ के बाद कितने टाइम में इश्यू होगा, 3 मंथ्स में। देन वॉट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ हर सर्टिफिकेट, उसके सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर वो हमने पहले देखा है, तो वो नंबर यहाँ पर आपको लिख लेना है। नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट, आपको फाइंड करना है व्हेन वेर यू बोर्न एंड डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स, और यहाँ पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर लिखनी है, तो ये आप लोग अपने तरीके से आपके बर्थ सर्टिफिकेट में देख कर सकते हो। देन नेक्स्ट पेज पर हमें यहाँ पर कैलेंडर दिया गया है, कैलेंडर ऑफ 2018, जिसमें हमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी मंथ्स दिए गए हैं राइट, और यहाँ पर हमें डेज भी दिखाए गए हैं कि कौन से डेट पर कौन सा डे है राइट, तो इसके ऊपर से हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो नेक्स्ट पेज पर हम वो क्वेश्चन देखेंगे। लेट अस लुक एट द कैलेंडर फॉर द ईयर 2018 का कैलेंडर देखते जाना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव,
ईयर के कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। लिस्ट द मंथ्स व्हिच हैव 30 डेज। 30 डेज किस किस में होते हैं? अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। द नेक्स्ट वन इज लिस्ट द मंथ्स व्हिच हैव 31 डेज। उसमें आएगा जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। पर ये दोनों में हमने कहीं पर फेब्रुआरी तो देखा ही नहीं, क्योंकि फेब्रुआरी में कितने डेज होते हैं? नेक्स्ट वन इज दैट हाउ मेनी डेज डज द मंथ ऑफ फेब्रुआरी हैव? 28। द नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी डेज मेक्स ए वीक? कितने डेज है वो वीक बनाते हैं? तो आएगा 7 डेज। द नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई? जुलाई में कितने वीक्स है? 4 वीक्स। इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स? क्या वो सभी मंथ्स के लिए ट्रू है? वो आपको कैलेंडर में चेक करना है। आंसर आएगा यस। नेक्स्ट वन इज इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास 3? आप लोग थर्ड स्टैंडर्ड में कब आए? जून मंथ में, राइट? देन नेक्स्ट वन इज मेक अ सर्कल ऑन दिस डेट्स इन द कैलेंडर। यहाँ पर आपको जो डेट्स दी गई है वहां पर आपको सर्कल करना है। और क्या बोला है? इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दिस डेट्स? तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। 26 जनवरी पर क्या होगा? रिपब्लिक डे। देन 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे। 31 दिसंबर को क्या होगा? लास्ट डे ऑफ ए ईयर। नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर। हमें यहाँ पर बॉक्सेस में ईयर्स दिए गए हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर हमें क्वेश्चंस पूछे हैं, तो हमें उसके आंसर्स देने हैं। फर्स्ट वन इज विच ईयर वॉज इट 2 years बैक? 2 years के पहले कौन सा ईयर था? तो हमें यहाँ पर 2018 का कैलेंडर दिया गया है, उसके हिसाब से काउंट करेंगे तो कौन सा आएगा? 2016। देन इन विच ईयर वेर यू इन क्लास 2? आप क्लास 2 में कौन से ईयर में थे? तो आएगा आंसर 2017। द नेक्स्ट वन इज विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर आने वाला है वो कौन सा ईयर होगा? 2019। एंड देन विच ईयर विल कम आफ्टर 3 years? 3 years के बाद कौन सा ईयर आएगा? 2021। देन विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट? कौन सा फेस्टिवल पहले आता है? गिवन बिलो आर सम फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट ड्यूरिंग द ईयर। लुक एट द कैलेंडर 2018 टू फाइंड द डेज ऑन विच डेज फॉल। यहाँ पर हमें फेस्टिवल्स दिए गए हैं, आपको 2018 के कैलेंडर में देखना है और यहाँ पर डेट्स भी आपको दी गई है और यहाँ पर आपको डेज है वो फाइंड करने की ये वाली डेट्स है वो कौन से डे पर आती है, राइट? मैंने यहाँ पर करके दिया है, पर आप लोगों को ये डेज है वो अपने आप 2018 के कैलेंडर में देखकर डेज फाइंड करके यहाँ पर लिखना है, जो हमें आगे दिया ही गया है कैलेंडर 2018 का। देन अरेंज द फेस्टिवल्स इन द ऑर्डर इन विच दे कम इन द ईयर। आप लोगों को यहाँ पर ऑर्डर में फेस्टिवल्स है उसे रखना है कि फर्स्ट वन मतलब कि जनवरी से लेकर कौन सा फेस्टिवल है वो पहले आता है, देन लास्ट में कौन सा फेस्टिवल आता है वो आप लोगों को यहाँ पर ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो मैंने यहाँ पर ये करके दिया है और आप लोगों को ये फाइंड करके लिख लेना है। मैंने तो आपको फिलअप करके दिया ही है, आप लोग इसमें से देख कर भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ईयर में कौन सा फेस्टिवल आता है? पोंगल। देन विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर के एंड में कौन सा फेस्टिवल आता है? क्रिसमस डे। देन नेक्स्ट वन इज कैलेंडर मैजिक। ईयर इज द कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुआरी 2019। यहाँ पर हमें फेब्रुआरी 2019 का कैलेंडर दिया गया है। लेट अस मार्क अ स्क्वेयर ऑन द कैलेंडर एंड सी सम मैजिक। यहाँ पर हम कैलेंडर में एक स्क्वेयर देखते हैं और उसमें कुछ मैजिक होता है वो भी हम देखेंगे, तो चलो देखते हैं। विच इज द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वेयर? जो येलो कलर का स्क्वेयर करके हमें ऊपर दिया गया उसमें सेंटर में नंबर कौन सा है? 13 नंबर। देन जॉइन 3 नंबर्स बाय ड्रॉइंग ए लाइन। आप लोगों को लाइन करके 3 नंबर्स को ज्वाइन करना है। द लाइन मस्ट पास थ्रू द नंबर एट द सेंटर। और लाइन है वो नंबर सेंटर में हमें जो दिया गया है 13 उसमें से पास होनी चाहिए। तो कितने लाइन्स है वो ड्रॉ कर सकते हैं हम? हाउ मेनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ? तो वहाँ पर आंसर आएगा 4, क्योंकि यहाँ पर स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पर क्रॉस में हम करेंगे तो हमें इतनी
फोर लाइन्स है वो ड्रॉ की, राइट। लुक हियर एट द थ्री नंबर्स ऑन ईच ऑफ दीज लाइन्स, और जो लाइन्स में हमें थ्री नंबर्स ज्वाइन किए हैं उसे ऐड करना है। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया? देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सभी का एडिशन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिला, 39। सभी का आंसर हमें सेम ही मिला 39, राइट। देखो हमने यहाँ पर एडिशन किया है, ये सभी लाइन्स हमने ज्वाइन की है और जो भी थ्री थ्री नंबर्स है उसका एडिशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 39। Now look at the calendar of 2019. Also look for the present month and draw any similar square in your notebook. Does the magic work for this? और फिर आपको क्या करना है कि आप लोगों को 2019 का कोई भी कैलेंडर लेना है, कोई भी मंथ का, और अभी भी जो कोई भी मंथ चल रहा है उसका भी आपको मंथ लेंगे, और फिर क्या करना है, सेम स्क्वेयर आपको उसमें भी बनाना है और उसमें जो सेंटर नंबर है उसे मार्क करना है, और फिर सेम प्रोसेस यहाँ पर जो दिखाई गई है वो आपको उसमें करनी है, और यहाँ पर ये मैजिक काम करेगा, यस, इसमें भी ये मैजिक है वो वर्क करेगा, तो आंसर आएगा यस। देन नेक्स्ट वन इज दिस मैजिक पॉसिबल ऑन अ 10x10 नंबर चार्ट, क्या ये मैजिक 10x10 नंबर चार्ट में काम करेगा? गो टू द चैप्टर फन विथ नंबर्स एंड चेक, और उसमें आपको क्या करना है, फन विथ नंबर्स वाले चैप्टर में जाना है और चेक करना है कि 10x10 नंबर चार्ट में ये वर्क करता है या नहीं। नेक्स्ट वन इज मोर मैजिक, और भी मैजिक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर हमें मार्च 2019 दिया गया है, यहाँ पर उसका कैलेंडर दिखाया गया है, राइट। ये क्या बोल रहा है, आई कैन एड 5 नंबर्स इन द बॉक्स इन अ मोमेंट, मैं एक ही मोमेंट में 5 नंबर्स को एड कर सकता हूँ। ओ दैट विल टेक सम टाइम, पर इसे तो कुछ टाइम लगेगा। तो ये क्या बोल रहा है, द टोटल इज 75, इसने तो टोटल भी कर दिया। दैट्स राइट, हाउ डिड यू डू दैट, ये सही है, पर ये किसने किया और कैसे इतनी जल्दी कर दिया? सिंपल, जस्ट मल्टीप्लाई द मिडल नंबर बाय 5। कैसे करना है कि जो भी मिडल नंबर है उसे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो टोटल आपको मिल जाएगा 75। नेक्स्ट वन इज सी इफ दिस मैजिक वर्क्स फॉर अदर लाइंस विच हैव 5 नंबर्स, और ये आपको मैजिक अदर लाइंस में भी चेक करना है कि अदर 5 नंबर्स में भी ये सेम मैजिक वर्क करता है। व्हाट अबाउट 5 नंबर्स ऑन अ स्लैंटिंग लाइन, उस स्लैंटिंग लाइन में जो 5 नंबर्स होंगे उसके लिए वर्क करेगा। ट्राई दिस ट्रिक विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और ये ट्रिक आपको फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ चेक करनी है। कैन यू फाइंड अदर मैजिक पैटर्न्स इन द कैलेंडर, और आपको कोई ऐसी दूसरी पैटर्न्स है वो कैलेंडर में दिखती है? यहाँ पर येस और नो लिखना है। नेक्स्ट वन इज कम्प्लीट द कैलेंडर, यहाँ पर कैलेंडर दिया गया है जिसे आपको कम्प्लीट करना है 4 अगस्त 2018। तो यहाँ पर मैंने ये कम्प्लीट करके दिया है, फर्स्ट डेट हमें दी गई है और यहाँ पर हम 31 तक फिलअप करेंगे, तो ये हमने कैलेंडर तो फिलअप कर लिया जो दिख रहा है, राइट। देन नेक्स्ट वन इज कलर ऑल द संडेज इन रेड, आपको क्या करना है, जो भी संडे है उसमें रेड कलर कर देना है। देन ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड, कौन से डे पर मंथ है उसका एंडिंग होता है, तो वो हमें दिख रहा है कैलेंडर में, फ्राइडे। देन राइट द नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ, इस मंथ में कितने डेज है, आंसर आएगा 31। देन व्हाट डे इज इट ऑन 13th अगस्त, 13th अगस्त कौन से डे पर है, मंडे को। देन व्हाट इज द डेट ऑन द सेकंड सैटरडे, सेकंड सैटरडे है तब कौन सी डेट है, 11। इसे आपको कैलेंडर में देखते जाना है और यहाँ पर आंसर देते जाना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। देन इज द 21st ए संडे, 21 डेट को संडे है, नो, क्योंकि 21 डेट को तो ट्यूसडे है। व्हाट इज द डे ऑन द 29th, 29 को कौन सा डे है। व्हाट विल बी द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक को सेम डे पर कौन सी डेट आएगी, 29 डेट को तो वेनसडे है, राइट, और नेक्स्ट डे पर कौन सी डेट आएगी, 5 डेट। हाउ मेनी थर्सडेज आर देयर इन दिस मंथ, इस मंथ में कितने थर्सडेज हैं, तो टोटल आएंगे 5 थर्सडे जो हमें दिख ही रहे हैं। देन फाइंड आउट, कि आपको फाइंड करना है विच मंथ इन द कैलेंडर 2018 है 5 संडेज,
आप लोगों को 2018 का कैलेंडर देखना है और फाइंड करना है कि 5 संडेज है वो कौन से मंथ में आते हैं. देन इज देर एनी अदर डे इन एनी मंथ विच कम्स 5 टाइम्स, और ऐसे कोई दूसरे डेज है कि जो 5 टाइम्स आते हैं. कैन देर बी 6 संडेज इन अ मंथ, व्हाई, और वहाँ कहीं पर भी 6 संडेज एक मंथ में आते हैं और वो फाइंड करना है, और नहीं आते वो भी क्यों नहीं आते वो आपको रीज़न फाइंड करना है. अब चाहे तो इसमें आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प ले सकते हो. देन यहाँ पर क्या बोला है, द ट्रू स्टोरी ऑफ पेड की देवी. ये कौन है पेड की देवी? ये पेड की देवी की यहाँ पर आपको स्टोरी दी गई है, माई टाइमलाइन. ये उसने खुद लिखी है कि जब भी वो बोर्न हुई थी और वो रहती थी उसने क्या क्या किया, वो सभी उसने यहाँ पर लिखा हुआ है. तो ये आप लोग एक बार रीड कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, राइट. तो हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि इसके बारे में हमें क्या बोला है, तो चलो वो देखते हैं. पर ये आपको एक बार रीड कर ही लेना है. सम थिंग्स दैट हैपन्ड इन हर लाइफ आर गिवन बिलो. उसकी लाइफ में जो भी थिंग्स हुई थी उसमें से कुछ हमें यहाँ पर दिखाई गई है. मार्क दिस ऑन हर टाइमलाइन, और टाइमलाइन है यहाँ पर हमें दी गई है, उस पर मार्क करना है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन शी वॉज 5 ईयर्स ओल्ड पैड की ब्रोक हर फुट. वो जब भी 5 ईयर्स की थी तो उसने अपना फुट है वो ब्रोक कर लिया था. ए इज मार्क्ड एट 5 ऑन द नंबर लाइन, तो हमें नंबर लाइन पर ए है वो 5 नंबर पर मार्क करके दिया है. देखो यहाँ पर ए इज ब्रोक हर फुट, तो हमें नंबर लाइन पर करके दिया है. देन बी इज लॉस्ट 1 गोट, उसने 1 गोट है वो लॉस्ट कर दी थी. देखो तो बी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर बी आएगा. देन गोट मैरिड, सी इज गोट मैरिड, तो यहाँ पर आएगा सी. देन हैड हर फोर्थ चाइल्ड, उसका फोर्थ चाइल्ड हुआ था, तो यहाँ पर आएगा डी. देन फर्स्ट सो ए पुलिस स्टेशन, पहली बार उसने पुलिस स्टेशन कब देखा, यहाँ पर 14 नंबर पे आएगा. देन लर्न्ड टू रीड एंड राइट, और ये कब लिखना और रीड करना सीखी, एफ नंबर, यहाँ पर 45 की एज थी उसकी तब. देन एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड, और उसकी सबसे बड़ी डॉटर है उसका मैरिज किया कब, उसकी एज जब 50 थी तब. तो यहाँ पर हमने बी सी डी ई एफ एंड जी है वो मार्क कर दिए है. देन मार्क ऑन द टाइम लाइन व्हेन शी वॉज बोर्न, जो हमने यहाँ पर मार्क करके दिया है. इन द ब्लैंक बॉक्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ पेड की एज अ न्यू बोर्न बेबी. आपको यहाँ पर ब्लैंक जो बॉक्स दिया गया उसमें आपको जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसका पिक्चर ड्रॉ करना है कि पेड की है वो बोर्न हुई थी तो कितनी दिखती थी, राइट. देन यहाँ पर क्या बोला है, मेक योर ओन टाइम लाइन, आपको अपनी खुद की टाइम लाइन बनानी है. Ask people around you and mark at least one thing that happened in each year of your life. आपको यहाँ पर numbers लिख के दिए है 1 से 10, यहाँ पर आपकी एज दिखाई गई है. तो आपको यहाँ पर जो भी remember thing है कि जो remember हुई हो, for example कि आप bicycle सीखते सीखते गिर गए हो और तब आपकी एज 6 years होती है, तो यहाँ पर आपको mark करना है और यहाँ पर उसकी story लिखना है कि आप गिर गए थे, right. ऐसे ही आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो और यहाँ पर आपको मार्क करना है. मेक टाइम लाइन्स ऑफ पीपल यू एडमायर, आपको जो भी पीपल ने एडमायर किया है मतलब मोटिवेट किया है उसकी भी आपको टाइम लाइन बनानी है. दिस कैन बी फ्रॉम अमोंग योर फैमिली फ्रेंड्स और टीचर्स, आप लोगों की फैमिली फ्रेंड्स और टीचर्स में से ये कोई भी हो सकता है कि जी आपको एडमायर कर सकते हैं. देन वन डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम, कुसुम के लाइफ का एक दिन है वो हमें यहाँ पर दिखाया गया है. लेट्स सी व्हाट कुसुम डज एवरी डे, चलो देखते हैं कि कुसुम हर रोज क्या करती है. राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर, हर एक पिक्चर के लिए हमें टाइम लिखना है. फॉर सम पिक्चर्स द टाइम इज ऑलरेडी रिटन एंड यू मस्ट ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक, कुछ के लिए आपको टाइम दिया गया है और आपको क्लॉक के हैंड्स ड्रॉ करने हैं. इन अदर्स यू हैव टू राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक, और कुछ में आपको टाइम लिखना है कि क्लॉक में टाइम कितना हुआ है. देखो फर्स्ट वन इज कुसुम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कुसुम हर रोज सुबह जल्दी उठती है, तो यहाँ पर हमें 6 o'clock दिखाया गया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 o'clock इन द मॉर्निंग. सेकंड वन इज शी ब्रिंग्स वॉटर फ्रॉम द वेल,
वो वेल में से वाटर है वो निकालती है। तो यहाँ पर टाइम बोला है हम 8:30 इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर हम हैंड्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 6 और 7 के बीच में छोटा हम यहाँ पर हैंड्स ड्रॉ करेंगे और बड़ा हैंड है वो यहाँ पर 6 के ऊपर करेंगे। द नेक्स्ट वन इज शी क्लीन्स हर हाउस, वो अपना हाउस है वो क्लीन करती है। यहाँ पर हमें क्लॉक में टाइम दिखाया गया है, यहाँ पर हमें वर्ड्स में लिखना है 8:30 इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट वन इज शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, तो यहाँ पर हमें लिखा है 8:08, तो यहाँ पर हम हैंड्स ड्रॉ करेंगे 8 एंड यहाँ पर 12 o'clock तक। सो ये 8 o'clock बन गए, राइट, क्योंकि छोटा हैंड है वो यहाँ पर 8 के ऊपर रखेंगे और बड़ा हैंड है वो हम 12 के ऊपर रखेंगे। नेक्स्ट वन इज सी इज स्टडिंग इन स्कूल, वो अपनी स्कूल में पढ़ती है। देखो यहाँ पर मैथ्स पढ़ रही है, उसका टाइम हमें दिखाया गया है 10 o'clock, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8:10 o'clock इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट वन इज सी कम्स बैक फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से वापस आती है, तो 1 o'clock इन द आफ्टरनून, तो हम यहाँ पर 1 o'clock ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट वन इज सी टेक्स लंच विथ हर ब्रदर एंड ग्रैंड मदर, वो अपने ब्रदर एंड ग्रैंड मदर के साथ लंच लेती है, तो यहाँ पर हमें क्लॉक दिखाई दी गई है, राइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 o'clock इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट वन इज सी प्लेस विथ हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती है, जिसका टाइम है 5:30 इन द इवनिंग, तो यहाँ पर हम वो टाइम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट वन इज सी लिसन्स टू अ स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंड मदर बिफोर शी स्लीप्स, वो सोने से पहले अपनी दादी के पास से स्टोरी सुनती है, जिसका टाइम है 9 o'clock एट नाइट, तो यहाँ पर हम क्लॉक में हैंड्स ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट पेज पर हमें क्या बोला है, नाउ प्रिपेयर ए चार्ट शोइंग योर ओन डेली रूटीन, आपको अपनी जो भी चीजें होती है उसका डेली रूटीन का चार्ट आप लोगों को यहाँ पर बनाना है। टाइम ऑफ द डे यहाँ पर इन वर्ड्स में लिखना है, ऑन द क्लॉक एंड व्हाट डू यू डू एट दिस टाइम, यहाँ पर आपको वर्ड्स में टाइम लिखना है, यहाँ पर हैंड से वो ड्रॉ करने हैं और आप कौन सी एक्टिविटीज कब करते हो आपको यहाँ पर लिखना है, राइट, तो ये आप लोग अपने तरीके से कर ही सकते हो। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 1 to 7 है वो कंप्लीट होते हैं और हमारा सेमेस्टर 1 का सिलेबस है वो भी कंप्लीट होता है।